जी वीजे ही वीजे आज की इस वीडियो के अंदर मैं बेशुमार वीजों की कैटेगरी आपके साथ शेयर करूंगा, इनकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो मेरे भाई रिटर्न है और जो भाई इसमें पहले काम करके आ चुके हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो काइंडली वही लोग इसमें अप्लाई करें जो पहले सऊदी अरब रह के आए हैं और इस काम में ही रह कर आए हैं। जो न्यू है उनके लिए अभी से ही माजरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान कामरान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। तो आज की जो वीजा की कैटेगरी है ये फौरी जरूरत है, सऊदी अरब और बेशुमार वीजे हैं। तो इसमें सबसे पहले बता चलूं कि जो इंटरव्यू है इनके 20 नवंबर को एब्रोज पीर, यानी कि कल आने वाली जो डेट है 20 नवंबर, उस दिन इसके इंटरव्यू। और जो मेरे भाई अप्लाई करना चाहते होंगे आगे जाके, इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पे आपको नंबर शो करवा दूंगा। तो जो मेरे भाई अप्लाई करेंगे या करना चाहते हैं फौरन वहाँ पर रब्ता कर लें और ऑफिस के नंबर पे जाके इनसे बात करें, उन लोकेशन उनसे ले लेंगे कहाँ पे इंटरव्यूज होंगे। तो मैं चलता हूँ अपनी वीजे की कैटेगरी की तरफ। तो उसमें जो सबसे पहला वीजा है ये मैसन है, ऑलराउंडर। इसकी जो सैलरी है 1500 से लेकर 1800 रियाल तक इसकी सैलरी है। और सेकंड नंबर जो वीजा है कारपेंटर है, इनका जो इसकी जो सैलरी है 1600 से लेकर 2000 रियाल तक इनकी सैलरी है। इसके बाद जो है पेंटर है 1600 से 2000 रियाल इनकी सैलरी है। फर्नीचर पॉलिश पेंटर जो है 1600 से 2000 रियाल इनकी सैलरी है। लेबर माली 1700 से 1500 1300 से 1500 तक इनकी सैलरी है। और इसके बाद है MEP इंजीनियर, इनकी सैलरी है 6000 से लेकर 7800 रियाल तक इनकी सैलरी है। HVAC टेक्नीशियन है, इनकी सैलरी है 2000 से 2500 रियाल तक की सैलरी है। सोफा अपहोल्स्ट्री, इसकी सैलरी है 2200 से 2500 रियाल इनकी सैलरी है। इलेक्ट्रिशियन है, इनकी सैलरी है 1800 से लेकर 2300 रियाल तक इनकी सैलरी है। प्लम्बर है, इनकी सैलरी 1600 से 2200 रियाल तक इनकी सैलरी है। MEP सुपरवाइजर जो हैं इनकी 3200 से 3900 रियाल तक इनकी सैलरी होगी। मेंटेनेंस लेडमैन, इनकी सैलरी जो है 6000 से लेकर 7800 रियाल तक इनकी सैलरी होगी। स्लाइड डोर टेक्नीशियन जो होते हैं, स्लाइडिंग डोर टेक्नीशियन जो होते हैं, इनकी सैलरी होगी 1900 रियाल से 2300 रियाल तक इनकी सैलरी होगी। HSEQ ऑफिसर जो होते हैं, इनकी सैलरी 3400 से लेकर 3800 रियाल इनकी सैलरी होगी। जो नेक्स्ट है हाउसकीपिंग सुपरवाइजर है, इनकी सैलरी 3500 से 4200 रियाल तक इनकी सैलरी होगी। जो ड्राइवर हजरात हैं इनकी सैलरी 2800 से 3200 रियाल तक इनकी सैलरी होगी। इसमें CCTV टेक्नीशियन हैं, इनकी सैलरी 1500 से 2900 रियाल तक सैलरी होगी। उसमें ये FACADE ग्लास क्लीनर, इनकी जो सैलरी है 2800 से 2200 रियाल इनकी सैलरी होगी। इसमें प्लम्बर है STPRO ऑपरेटर, 1800 से 2300 रियाल इनकी सैलरी होगी। FM कोऑर्डिनेटर जो हैं इनकी सैलरी 3500 से 4200 रियाल तक इनकी सैलरी होगी। तो तमाम वीडियो की कैटेगरी की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, इनकी सैलरी आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जो मेरे भाई ड्यूटी इनकी होगी 8 घंटे ड्यूटी होगी, मुआहदा मुद्दा जो है 2 साल का होगा। खाना रिहाइश मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन बदीमा कंपनी होगी। तो जो मेरे भाई अप्लाई करना चाहते हैं स्क्रीन पे मैंने आपके नंबर शो करवा दिया है, आप लोग यहाँ पर मेरे रेफरेंस से रब्ता कर सकते हैं ऑफिस और इनको बता सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट जो है CV जो है और अपने पासपोर्ट ID का यहाँ पे सेंड कर दें और या इनसे रब्ता कर लें। सुबह आपके इंटरव्यू हैं तो आप लोग यहाँ पे पहुँच जाएं भाई से अपनी लोकेशन लेकर। और इसके जो सबसे जरूरी बात है कि 3 से 5 साल का इनका तजर्बा होगा। ये जो भाई रिटर्न है ये वही अप्लाई कर सकते हैं, न्यू जो मेंबर हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और टेस्ट जैसे मैंने आपको बता दिया 20 नंबर बरोस पीर को होंगे लाहौर में। क्योंकि तमाम कैटेगरीज तमाम सैलरीज पैकेज मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं और जो मैंने आपको बताया कि मिसाल के तौर पर 1700 से 1800 तक रियाल सैलरी होगी, तो यानी कि ना 1800 होगी ना 1500 होगी, आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी 1600 सैलरी लग जाए, आपकी 1800 लग जाए, मे बी 1900 भी लग सकती है। वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जो डेलीगेशन आएंगे जो आपका इंटरव्यू करेंगे वो ऑन द स्पॉट आपको बता देंगे कि आपकी सैलरी कितनी है या कितनी होगी। आपका काम को देखकर, आपके काम को मद्देनजर रखकर, इंटरव्यू को देखकर उनकी वो आपकी सैलरी वहाँ पर डिसाइड करेंगे और आपको बता देंगे। तो जो भाई अप्लाई करेंगे, जो क्वालिफाई करेंगे हो जाएंगे, इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, वो लोग हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मौजूद हैं, कोई मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो तो वहाँ पर हमसे बात कर सकता है। और अगर अप्लाई करने के लिए आपने रब्ता करना है तो मैंने स्क्रीन पर आपका नंबर शो करवाया हुआ है, आप वहाँ मेरे रेफरेंस से रब्ता कर सकते हैं। या कोई सवाल जहन में आता है तो वीडियो पे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या आपको वहीं पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसी के साथ अपने भाई हाजी कामा खान को दे इजाज़त और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामा खान। अल्लाह हाफिज़। देखने के लिए हमारा चैनल हाजी कामरान खान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रहें।